उन्नाव के ट्रांसगंगा में हाल फिलहाल हुए कथित किसानों के उग्र प्रदर्शन के मामले में योगी सरकार के मंत्री ने पूर्व की सपा सरकार पर हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के मुताबिक पूर्व की सपा सरकार ने उन्नाव में विकसित हो रही इस योजना को लेकर लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे। खासतौर से उन्नाव और कानपुर वालों के लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे, जिसके कारण इस योजना में 1786 लोगों ने प्लॉट बुक कराए थे। इस योजना के लिए 1184 एकड़ जमीन को अधिग्रहित किया गया और सभी किसानों को उस समय के हिसाब से 237 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दे दिया गया था। सतीश महाना ने बताया कि जिन किसानों से लैंड ली गई थी उनको 6% कॉमर्शियल जमीन भी दी जाएगी। पूर्व में जिनके प्लॉट बुक हुए हैं, अगर वो लोग पेमेंट मांगते हैं तो पेमेंट के साथ ही 6% का उन्हें ब्याज भी दिया जाएगा। यह बातें मंत्री सतीश महाना उस संदर्भ में कर रहे थे जिसमें ट्रांसगंगा में पिछले दिनों जमकर उपद्रव हुआ था। सतीश महाना का कहना है कि जिन हुड़दंगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वह ट्रांसगंगा योजना के किसान थे ही नहीं। एक किसान भी था तो उसकी जमीन भी ट्रांसगंगा योजना में नहीं थी। समय जिस प्रकार से यूपीएसआईडीसी था, पहले कॉर्पोरेशन थी, अब अथॉरिटी हो गया यूपीसीडा, अब हम उसको कहते हैं। उन्होंने वहां की कॉलोनी को डेवलप करके प्लॉट्स भी, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स वहां पर काटे थे। लखनऊ से जनमत न्यूज के लिए अंकुश पाल की रिपोर्ट।